वालेकुम जी, कैसे हैं सब? होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। कैसी गुजरी आप सबकी ईद? मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी, बट कहीं आउटिंग के लिए नहीं गए, तो आज बड़ा मूड कर रहा था कि कहीं आउटिंग के लिए जाएं। और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है, धूप नहीं है, बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी व्लॉग शेयर किया जाए, थोड़ी थोड़ी क्लिप शेयर किए जाएँ। तो चलिए चलते हैं। चले जी, यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो चुका था, और आप लोगों को तो पता है कि हम यहाँ पर म्यूज़िक नहीं लगा सकते, और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वॉइस ओवर किया जाए। और ये बहुत ही प्यारा मौसम था, बिल्कुल भी सफ़र का पता नहीं चला, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ भी की। और जी, गाड़ी में फ़न ना हो तो मज़ा कैसे आएगा? आप सब में से कौन सा ऐसा बंदा है जिसको सफ़र में भूख लग जाती है? हम में से तो हमारी आपी को बहुत ही ज़्यादा भूख लग जाती है सफ़र करते वक्त। और यहाँ पर भी आप ही कोको कोला पी रही थी। हम आ गए हैं, हमने भी यहाँ से ही जाना ना। किड्स कॉर्नर भी है मुझे तुम्हारे लिए। क्या है? तुम्हारे लिए किड्स कॉर्नर भी है। हाँ, आप भी मेरे साथ जाए ना। आ रही हैं मम्मा, आ रही हैं। बेबी इधर बीच में आओ। मोहम्मद इधर आओ, इधर आओ बेबी। ऐसे ऐसे क्या आओ ना, ये मेरी ग्लासेस है। किस जाना है हमने? मेरी सिस्टर्स का ना टचअप ही नहीं हो रहा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल के नीचे जाना पड़ता है ना, ऐसे गाड़ी नीचे नहीं जाती। भी ज़्यादा नहीं है, इतना तो इंसान को चलना ही चाहिए। मैं बेइज्जती करांगे तेरे, इसको तो चल लेंगे। नहीं, इतना तो मैं चल ही सकती हूँ। बोर्डिंग करनी तुम्हें तो मैंने मारना चाहूँ उससे पहले। मैंने तुम्हें तो पहले मैंने तुम्हें ज़रूर करवानी है। मुझे मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा पानी होगा, बारिश लग रही है। ये जी मैं आप लोगों को बता रही थी, वो दूर तक बोटिंग के लिए लोग जा रहे थे, बहुत दूर दूर तक। कुछ सिंगल लोग जा रहे थे, कुछ फैमिलीज जा रहे थे, और मैंने भी मामा को इतना ज़्यादा कन्विंस किया, मामा मान गई। फिर मेरे साथ जाने के लिए कोई नहीं मान रहा था, तो फिर मैंने आपी को कन्विंस किया कि वो मान जाए, तो बहुत ही देर बाद आपी भी मान गई कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हमने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बट अगर आप पूछें तो सबसे ज़्यादा इंजॉय सुभान ने किया। ये तो लड़का हाथ में ही नहीं आ रहा था, किसी की बात नहीं सुन रहा था, हम इसके पीछे पीछे भाग रहे थे। मामा बोर्डिंग करने के लिए मान गए हैं, वो भी खुद नहीं करेंगे, हम करेंगे। ये मुझे गिराएंगे, मैंने एड़ी वाली पहनी हुई है, इतना भी बड़ा नहीं है, कठिन रास्ता है। अच्छा, आप लोग सीधे रास्ते से जा रहे हो, ये मुझे पहले ही पता था। तो तुम उधर गए हो ना? अच्छा भला ये सीधा रास्ता है, तुम्हें एडवेंचर कर तू खुश हो। इधर आओ, आए बुढ़ी होगी अब। अब चली हूँ, आपकी आपका दुपट्टा ना जो है ना झाड़ू लगाता जा रहा है। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम हम आए थे ना, तो मैंने इस वाली जो है ना पहाड़ी पे ना मैंने पिक ली थी, मैं इसके ऊपर चल गई थी, और इस दफ़ा भी मैंने ज़रूर लेनी है। ईद पर आते बहुत ज़्यादा रश होता, पर अच्छा हुआ हम नहीं आए, पुरसकून माहौल है यहाँ। फिलहाल तो पकड़ो इसको, लगता रात को पाँव में सही दर्द होगा। आए हाय, बाकी चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। देखो मुझे सही रिकॉर्ड करो, कोई दर। ओहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब जाओ, अम्मी पकड़ें इसको। अब मेरी आप फुटेज खाते हुए
कुछ नहीं खा रही मैं, हमें कल हो जाएगी। ठीक है गाइस, चलते हैं। नाराज हो गई ये वाली वो, ये वाला नहीं लेना, ये वाला नहीं, और इसमें ये तो कोई नहीं है, ये मर जाएंगे। मर जाना हमने ये वाला ही नहीं, वो वाली उई उई उई। हमने अभी जिंदा रहना है अपनी YouTube फैमिली के लिए। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? बहुत अच्छा, मज़ा आया ना? मज़ा आया। भी आपको हमने इतना मिस किया, मामा को भी। आप लोगों ने लिया ही नहीं, आपका मज़ा आ रहा था। समझ कहती है अब तो, ये तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। कोई डरने वाली बात कहती है मुझे। बोल कितनी आहिस्ता चल रही है। हम उस पर बैठे हैं और वो जो पीछे वाली है ना, उसको तो पहुंचते हुए सालों लग जाएंगे। आगे वाली पे बहुत मज़ा आया, यकीन करें बहुत मज़ा आया। आप लोग भी ट्राई करें मंगला की। यहाँ पर बोटिंग एक फेमस है बहुत ज़्यादा, और एक फ़िश ज़्यादा फेमस है। फ़िश का अनफॉर्चुनेटली ये हिसाब हुआ है कि हमने जाकर पूछा है, उन्होंने बोला कि फ़िश अवेलेबल नहीं है। तो आप देखते हैं, हमने फर्स्ट टाइम बोटिंग किधर की थी? फर्स्ट टाइम वो झील थी, नौशहरा की झील, नौशहरा की झील थी वो। और फर्स्ट टाइम बोटिंग हमने वहाँ पर की थी, बहुत मज़ा आया था, इसलिए मुझे यहाँ पर इतना डर नहीं लगा। मैंने बोला कि ये मेरा सेकंड टाइम है, इसलिए मेरा भी चलेगा। सॉरी, अब ठीक है। वैसे यार तुम प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच, मेरी भी तारीफ कर दो। वो देखो उन्होंने वहाँ पर लिखा, मैंने क्या बोला। चले चलते हैं सब। किधर जा रहे हैं हम लोग? गाइस वो हम सर हदी से टलते हुए थले आए हैं। हमारी पंजाबी किसी ने सुन ली ना, कानों के आगे हाथ रख दे एडे तो डोनाल्ड ट्रंप की। गाइस हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, कुछ खाया पिया नहीं है क्योंकि इधर फिश जो स्पेशली बहुत ज़्यादा मज़े की होती है वो तो अभी ही नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी। तो अब हम किसी दूसरे पार्क में जाने वाले हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। अब हम आ गए हैं पार्क में। इंजॉय तो हमने उधर भी किया था, बट आज आए हुए हैं तो खज्जल होके चल। इतना भी शर्माना चलना। वैसे वो चार्जिंग वाला हमारे साथ मजाक ही हुआ है ना। बहुत बुरा हुआ है। यहाँ
यहाँ पर हम पार्क में एंटर हो चुके हैं और जैसे कि आप लोगों को पता है कि पार्क में एंटर होते ही सबसे पहला काम क्या होता है, झूले लेना। तो यहाँ पर सुभान और मरियम स्टार्ट हो गए थे झूला लेना, कभी कौन सा झूला कभी कौन सा झूला, हमारी बारी नहीं आ रही थी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि बोटिंग के लिए मैंने आप ही को कन्विंस किया था और इधर झूले लेने के लिए आप ही ने मुझे कन्विंस किया। और तौबा है मेरी कि आइंदा के बाद मैं कभी झूला नहीं लूँगी। तो ये जो हम झूला ले रहे हैं, आप ही मुझे ये बोल रही थी कि ये बच्चों वाला झूला है, तो जब हमने लिया तो फिर पता चला कि ये बच्चों वाला है ये बड़ा वाला है। फिर उसके बाद जो झूला था टावर वाला, तो वो हमने उसके के लिए भी टिकट ले ली थी, बट ये झूला बड़ा हो गया था। तो एक बार तो हमारे साथ प्रैंक भी हुआ कि झूला रुक गया था, तो हमें उतार दिया इन सब ने। फिर भाई कहता है कि नहीं अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी दोबारा से बैठे। तो फिर हम बैठे और इधर तो सुभान की मस्ती ख़त्म नहीं होती, कभी गाड़ी वाला कभी बाइक वाला, कभी गाड़ी वाला कभी बाइक वाला कभी डॉग वाला। तो सुभान तो बिल्कुल भी नीचे नहीं उतर रहा था, उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि हम किसी और साइड पे जाएं कुछ खा लें, बट नहीं, सुभान को तो बस झूला लेना था। और ये वो वाला झूला है जिसकी मैं आपके साथ बात कर रही थी कि टावर वाला, तो इसमें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा। ये फुल ऊपर जाता है और जब मैं फुल ऊपर चला गया तो जब मैंने नीचे देखा तो मैं बोलूँ कि पता नहीं क्या मुझे, मेरे पाँव ज़मीन पर क्यों नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और बाइक की तरफ जो थी रोड, तो रोड पर जो भी गुजर रहा था तो वो हमारी तरफ ही देख रहा था कि लड़कियां क्या कर रही हैं। तो मेरी तो चीहे नहीं रुक रही थी, अजीब, बार बार झटके दे दे के वो नीचे ला रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। और मैंने मामा को, जब हम झूले के ऊपर गए तो मैंने मामा को यही बोला था कि मामा दुआ करें कि हम जिंदा वापस आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा वापस आ गए थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पर मैं झूले से उतरी तो हम सब बहुत ज़्यादा हंस रहे थे क्योंकि मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा कांप रहे थे, क्योंकि मुझे इस झूले से बहुत ज़्यादा डर भी लगा था इसीलिए कांप रहे थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी ग्रीनरी, बहुत ही प्यारा पार्क था। और जी भूख भी बहुत ज़ोर से लगी हुई थी, आप लोगों को सारा नहीं दिखा सकी क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ पर हम, मैंने सोचा कि अब कहीं अच्छी सी जगह पर जाकर खाना वगैरह खा लेते हैं। रोटी अब तो ऐसे ही मुंह बनेगा, दो दो, एक ऊपर है एक नीचे। हाँ ये दे दो मुझे, ये आज का फैशन है। ओह जीनियस, गंदी लग रही हो। और यहाँ पर जी खाना आ चुका था, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था और मेरी तो भूख से बुरी हालत हो रही थी। और मैंने तो शुक्र किया कि खाना आ गया, मैंने जल्दी से खाना खाया। और खाना खाने के बाद लोगों की बैटरी ज़्यादा होती है और मेरी डाउन हो रही थी। कितना प्यारा व्यू आ रहा है और मेरी वीडियो भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। आ जाओ यहाँ से, प्यारा आ रहा है। और जी ये होटल के साथ वाला व्यू था, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। हमारा पाकिस्तान तो है ही बहुत ज़्यादा प्यारा माशाल्लाह से, और ये इतना प्यारा यहाँ का व्यू था। हमने थोड़ी सी जो है फ़ोटोशूट भी हमने यहाँ पर किया। और ये आप ही को देख लें जी, आप ही का भी बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट हुआ और मेरा भी बहुत ज़्यादा हुआ। आई होप कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया था, इन्जॉयमेंट की हमने भी। आई होप कि आपने भी व्लॉग को देख के खूब इन्जॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग या चैलेंज, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो ये वापसी का क्लिप है, मैं सो गई थी रास्ते में तो आप ही ने थोड़ा सा क्लिप शूट कर लिया। मैंने सोचा कि ये भी ऐड कर लूँ, क्या याद करेंगे, आप लोग भी देख लें। और जी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।